सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर में महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। संस्थे मुख्य सचिव सोहन लाल ठाकुर ने किया शिविर का शुभारम्भ। शिवरात्रि मेले के उपलक्ष्य पर किया गया मैराथन का आयोजन। हरी झंडी दिखाकर डीसी मंडी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। पंडोह पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 510 ग्राम चरस, आरोपी के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। और एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर की वेबसाइट की गई लॉन्च। कॉलेज प्रधानाचार्य ने वेबसाइट का किया शुभारंभ। डलहौजी में हरियाणा कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए मरुथल जाट आंदोलन और जेएनयू को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से भाजपा के सांसद उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, जिसके कारण आपस में दुश्मनी बढ़ी और नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोले हैं। सर, हरियाणा के आप प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा में जो आजकल हालात हो रहे हैं, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जो जाट आरक्षण को लेके मामला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। शायद देश के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में तो नहीं ही हुआ, शायद देश के इतिहास में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और ख़ास के पार्टी का जो उनका अंग है, ये सारा मामला उनके सांसद बयान दे रहे हैं पिछले 6 महीने से, और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आपस में दुश्मनी बढ़े। और खट्टर सरकार या वो सांसद साहब जिस पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर हैं, जिसके लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। चंबा जिला के डलहौजी में हरियाणा कांग्रेस महासचिव और हरियाणा के पार्टी प्रभारी शकील अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जाट आरक्षण की मांग कांग्रेस के समय से हो रही है, किंतु कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। खट्टर सरकार और मोदी सरकार बयान दिलवाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर राजनीति करवाना चाहती है। शकील अहमद ने कहा कि सरकार को आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहां तो शुरू हुआ जाट आरक्षण से, ये आरक्षण कांग्रेस के समय में लागू हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने समाज के सभी वर्ग को साथ में लेके ये आरक्षण लागू किया था। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं कोई मार्च प्रोटेस्ट प्रदर्शन नहीं हुआ। और खट्टर सरकार और मोदी सरकार बयान दिलवा दिलवा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके राजनीति करना चाहती है। मैं समझता हूँ बहुत है, हम लोगों की सारी संवेदना जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ है, सरकार को राजनीति से अलग हटके जो भी प्रभावित है निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। जो लोग भी उसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुरथल मामले में शकील अहमद ने कहा कि यह भी शर्मनाक घटना है, आरक्षण के नाम पर ऐसा करना ठीक नहीं है, यह मानवता के खिलाफ इस तरह का जो अपराध हुआ है इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सांप्रदायों को आपस में भड़का कर लड़ा रही है। सर, हरियाणा के मुरथल में जो ताज़ा वीडियो सामने आ रहे हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में क्या? ये भी शर्मनाक घटनाएं हैं, और ये इस तरह की बात आरक्षण में इस तरह की घटनाओं का कोई कहीं कोई ये नहीं है। सब समाज में हमारे परिवार, हमारे समाज के बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो किसी एक जात विशेष, किसी एक परिवार विशेष के खिलाफ नहीं, ये पूरे मानवता के खिलाफ इस तरह का अपराध होता है और इसकी सूक्ष्मता से जाँच होनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है और भी, कि जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इस मामले में खट्टर सरकार किस तरह कंप्लीट इसको... वो दोषी हैं, उन्होंने टोटल मिसहैंडल किया
कोई चीज जब नई लागू होती है तो उसमें पक्ष विपक्ष में कुछ उत्तेजना हम समझ में आती है, लेकिन आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि ये फैसला कांग्रेस के शासन में हुआ था, यूपीए सरकार में उनको आरक्षण दिया गया था, कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई आक्रोश रैली, कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी। हमने सभी समाज के सभी लोगों को साथ लेके ये काम किया था और भरका भरका के सरकारी तौर पे स्पॉन्सर्ड करके समाजों को लड़ाने का वही नीति है उनकी। पूरे देश में एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाना चाहते हैं, हरियाणा में चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इतनी आबादी ही नहीं है कि दो संप्रदाय लड़े, तो जात के लोगों को एक जात के लोगों को दूसरे जात के लोगों से लड़ाने का प्रयास करती है। ये डिवाइड एंड रूल की जो भाजपा और उनके नेताओं की पॉलिसी है, ये देश को कहां ले जाएगी मालूम नहीं। जेएनयू मामले में शकील अहमद ने कहा कि गलत सबूत बनाकर कन्हैया आदि को जेल पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 54 वर्षों तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में देश का झंडा नहीं लहराया है, आज झंडा लहराकर देशभक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस चैनल के हेड ने यह नारे एडिट किए थे, इसके इनपुट हेड ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया है कि कन्हैया ने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए हैं। देखिए, जेएनयू का मामला भी एक उदाहरण है देश के लिए कि कैसे गलत सबूत बना के कैसे दो फिल्म को, दो वीडियो को जोड़ के और एक वीडियो की आवाज दबा के दूसरे वीडियो में जो देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं उनको कन्हैया के नारे के साथ जोड़ दिया गया और उसी को बेस बना के उस पर मुकदमा कर दिया गया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो चुनाव में हार गया था जेएनयू में, तो आप जिसको चुनाव में हार जाइए उसको जेल भेजवा दीजिए देशद्रोही करके। उन लोगों ने जिनके आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 54 वर्षों तक जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं लहराया, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, आज झंडा फहरा करके देशभक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। 54 वर्षों तक आरएसएस के, बहुत से हमारे साथियों को नहीं मालूम होगा, 54 वर्षों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा, राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इसलिए, और सामंतवाद से आजादी वो नारा लगा रहा है, मनुवाद से आजादी वो नारा लगा रहा है, पूंजीवाद से आजादी वो नारा लगा रहा है, और उसको कह दिया कि ये देश द्रोह को, और दूसरे ने नहीं कहा, दो इसमें महत्वपूर्ण लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने कहा, मैंने उसका पूरी उसका भाषण सुना है, कहीं उसमें देशद्रोह की कोई बात नहीं देश के खिलाफ। और दूसरे जिस टीवी के इनपुट हेड ने वो दोनों मिलाया था, उसने रिजाइन कर दिया कि हमसे गलत काम करवाया गया है, कोई दोष के विरोधी नारा कन्हैया ने नहीं लगाया। तो अब इस तरह की बात, जब सरकार समाज में बंटवारा कराने के लिए, झूठ प्रचार करने के लिए, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उनके एक एमपी जो सांसद जो मंत्री हैं अभी, उन्होंने तालिबान का वीडियो अपने फेसबुक पर पोस्ट करके दंगा फैलाने का काम, भड़काने का काम किया, आज वो भारत सरकार के मंत्री। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल के पूर्व शिक्षा मंत्री व डलहौजी की मौजूदा विधायक आशा कुमारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुँच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं।
गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। स्कूल इज इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ अ पर्सन लाइफ, सो यू वांट टू चूज अ स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन। चूज स्कूल स्मार्टली, चूज दिल्ली पब्लिक स्कूल भंगरोटू नेर चौक, ए यूनिट ऑफ डीकेएस प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव अ वेरी गुड एनवायरमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स टू एनहांसिंग देयर नॉलेज। इट्स अ काइंड ऑफ स्कूल विच हैव नेवर ओपन सो फार। द मेन मोटो ऑफ डीकेएस इज प्रिपेयर द स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर द गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम। वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू स्कूल एंड साइंस कॉम्पिटिशन इन मेट्रो सिटीज दैट विल हेल्प देम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। डीकेएस भंगरोटू इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। आवर कैंपस ऑफिस इज NH21 भंगरोटू डिस्ट्रिक्ट मंडी। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर इज 9816566816। एडमिशन ओपन फॉर 2016-17 सेशन फॉर नर्सरी टू हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली। 25 कैसेस फॉर ईच क्लासेस। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे वन पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को वन पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम मंडी। राजा लक्ष्मण सेन कॉलेज की ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट www.mlsmcose.org लॉन्च की। वेबसाइट का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य पवन जमवाल ने किया। इस मौके पर ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राणा भी उपस्थित रहे। इस उपलक्ष पर पवन जमवाल ने कहा कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ सामंजस्य बिठाते हुए भविष्य की योजनाओं पर कार्य करेंगे, ताकि कॉलेज का नाम और उभर कर ऊपर आए और समाज में इस कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी समाज को अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। कि हमारे महाविद्यालय के ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से अपनी साइट का लॉन्च किया गया। साइट का नाम है www.mlsmcose, दैट इज MLSM कॉलेज ओल्ड एसोसिएशन .org। मुझे उम्मीद इसे लॉन्च करते वक्त इसके प्रधान अजय राणा जी और महामंत्री श्री उमेश गौतम जी साथ थे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो एसोसिएशन है, जो कि अब अपने साथ यूथ के साथ साथ एक एक्सपीरियंस को भी साथ ला रही है, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी बुद्धिमता के साथ, अपनी नई एनर्जी और पुराने नॉलेज के साथ,
कॉलेज के लिए, समाज के लिए कैसी व्यवस्था का प्रचार व प्रसार करने में सक्षम होंगे, जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश होगा। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राणा ने बताया कि कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स वेबसाइट खोलकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि सभी इस कॉलेज से निकले हुए लोग, यहां से निकले हुए विद्यार्थी, वो इस वेबसाइट के माध्यम से जुड़ेंगे, ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि ये कॉलेज यहां से सबने अपने आप का अनुभव लेते हुए सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। हर क्षेत्र में इस कॉलेज से निकला हुआ विद्यार्थी अपना योगदान समाज को दे रहा है और बहुत जल्दी सभी लोग इकट्ठे होंगे। हमें ये अपने घर की तरह लगता है क्योंकि यहीं से हमारा कैरियर बना है, बहुत लोगों का कैरियर बना है। आज विदेशों में बहुत लोग हैं, बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत से लोग जुडिशरी में हैं, तो सभी लोग, मैं चाहूँगा कि बहुत बिजनेसमैन हैं, सभी लोग जुड़ें और जुड़ने के बाद घर की तरह आपस में जो बिखरे हुए लोग हैं इस ज़िंदगी के आपाधापी में आपस में मिलेंगे। इसके माध्यम से हम सभी लोग एक बार इकट्ठे होंगे। इस महीने मेंबरशिप का हमने ड्राइव लिया है, इस महीने में हम मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और सभी लोग इससे जुड़ेंगे, ऐसा मेरा सबसे आह्वान है। सुंदरनगर महाराजा लक्ष्मण सेन कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य पवन जम्वाल ने किया। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश में चर्च का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पिंडो पुलिस ने नाके के दौरान एक व्यक्ति से 510 ग्राम की चर्च बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में दिन ब दिन चर्च के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन समय समय पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक करती है और नशेड़ियों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत नाके के दौरान पंडोह पुलिस टीम ने एक निजी बस की चेकिंग की। अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान नेपाली मूल के एक 16 वर्षीय युवक के पास से 510 ग्राम चरस बरामद की गई। इस बैग से 510 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक अपनी आयु 16 वर्ष बता रहा है। इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र आयु का इसके पास ना है, जिसका मेडिकल करवाया जाकर इसका आयु प्रमाण पत्र, जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र होता है, उसको लिया जाएगा और आइंदा कार्रवाई की जाएगी। अभी इस युवक से पूछताछ में यही पता चला है कि ये पत्रिकुल किसी बहादुर से ये लेके इस चर्च को आया था और आगे दिल्ली लेके जा रहा था। मैं अपना नाम नरेश तामंग और ये नेपाल का रहने वाला है। इसका परिवार का कोई भी सदस्य भारतवर्ष में कहीं नहीं रहता है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। फिर भी इसके बारे में पता किया जा रहा है कि ये कहाँ रहता था और कब से ये भारत में रह रहा है, क्या इससे पहले भी ये इस तरह के चर्च की उसमें संलिप्त रहा है। आपको बता दें कि नशे ने आज की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते नशेड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अभियान चला रखा है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।